उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कन्याओं और छात्राओं के लिए कन्या सुमंगला योजना चलाया जा रहा है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक कन्या और छात्रा को इस योजना से आच्छादित करना चाह रही है। लेकिन अगर हम गाजीपुर जनपद की बात करें तो जनपद की आबादी 31 लाख है, लेकिन उसके सापेक्ष मात्र 8704 फार्म ही ऑनलाइन विभाग को मिले हैं। इसी को लेकर यह संख्या कैसे और बढ़ाई जाए, इसी क्रम में जिला प्रोबेशन अधिकारी और उनकी टीम रजदेपुर देहाती इलाके के स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंची, जहां पर टीकाकरण की बैठक के लिए क्षेत्र की सभी एएनएम को बुलाया गया था, साथ ही लेखपाल भी शामिल रहे। इसी को देखते हुए जिला प्रोबेशन अधिकारी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर कन्या सुमंगला योजना के लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने को लेकर एएनएम और लेखपाल से बात किया, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चलाई जाने वाली योजना प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लाभार्थी को यदि कन्या सुमंगला योजना से आच्छादित कर दिया जाए तो जनपद में लाभार्थियों की संख्या बढ़ सकती है। आज रजदेपुर में मुझे पता चला कि वहाँ पे सभी एएनएम को बुलाया गया है। टीकाकरण केंद्र पे मैं गया था, कि माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है कन्या सुमंगला योजना, जो कि बालिकाओं के शिक्षण के लिए है और सशक्तिकरण के लिए है। तो यह 100 दिवसीय कार्य योजना में भी शामिल है और इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ कि अधिक से अधिक जो पात्र बच्चियाँ इससे वंचित हैं उनको लाभ मिल सके और उनको सशक्त बनाया जा सके, उनके शिक्षण के लिए सारी व्यवस्थाएं की जा सके। ऐसे में क्या वहाँ से कुछ ग्रामीणों से भी वार्ता हुई है? नहीं, वहाँ सभी एएनएम थे और कुछ लेखपालों से भी वार्ता हुई, कहाँ कहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि अभी हमारे पास 2704 फॉर्म ही ऑनलाइन हमें मिले हैं और उसकी संख्या, गाजीपुर की जनसंख्या भी काफ़ी ज़्यादा है, हमें लगता है 31 लाख समथिंग ऐसे यहाँ की जनसंख्या है। उस प्रोपोर्शन में हम देखें तो 8704 कोई बहुत बड़ा आवेदन नहीं है, इसलिए हमें लग रहा है कि हमें ग्रामीण क्षेत्रों में या जहाँ जहाँ पे वास्तव में बच्चियाँ हैं, जैसे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की जो भी लाभार्थी हैं इस योजना की से लाभान्वित हो सकती है, तो उसको शामिल हम लोग कर ले तो बच्चियों के सशक्तिकरण के लिए बहुत बड़ा प्रयास होगा और काफ़ी अच्छा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा।